हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल नंदा ऑल राउंडर। तो वीडियो में जाने के पहले जो भी न्यू है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो ये जो है ना, ये दिखा रही हूँ मैं, ये है ना ड्यूटी से आ गए थे डिंकी के पापा, तो हस्बैंड जी आ गए थे और गीले हो गए थे, तो वो है ना सब सुखा रहे। वो देखिए चेयर पर उन्होंने कपड़े वगैरह सब चेंज कर अभी नहा भी लिए थे, तो ये गीले हो गए थे। तो ये समय है 3:30 बजे का, डायरेक्ट मैं आपको शाम को मिल रही हूँ। तो शाम को ये देखिए मैं लौकी का हलवा बनाने जा रही हूँ। तो लौकी यहाँ पे घिस रही थी और बारिश इतनी आ रही है और लौकी का हलवा है ना डिंकी बहुत पीछे लगी थी। परी को बहुत फेवराइट है ये, तो मैंने कहा चलो बनाई लेते हैं। वो ताज़ी ताज़ी लौकी थी जिस दिन मैं बता रही ना आपको, अरबी के पत्ते लाए थे उसी दिन ये भी लाई थी और घर की थी, तो उसमें कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे हस्बैंड खाना बना रहे, सब्जी बना रहे थे, मैं वहाँ किस रही थी। तो ये मैंने हलवा बना लिया था और ये सब्जी बना रहे थे। तो ये देखिए बोले कि आज मैं वो क्या है, कौन सी फल्ली की सब्जी बना रहे थे, गवार फल्ली नहीं, वो लंबी लंबी सेंग फल्ली क्या बोलते पता नहीं, तो वो बना रहे थे। मैं उनसे पूछ रही थी क्या बना रहे हो, तो बोले सब्जी बना रही हूँ। मतलब वो कब ऐसे है कि कभी कभी मुझे ना बहुत हेल्प कर देते हैं, बहुत मतलब ये है। और आई थिंक सबके पति ऐसे होने चाहिए, सब ऐसे ही करते हैं होंगे सबके पति, मैं अपने पति की नहीं, सब आजकल क्या है दोनों मतलब ये रहते हैं। क्या मैं आप बना रहे हो ना? हाँ तो मैं बना रहा हूँ, फिर क्या हो गया? और यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे मैंने बना लिया हलवा लौकी का, बहुत टेस्टी बना था वहाँ का। मुझे इसमें गंदा दिख रहा है, साफ करना पड़ेगा। तो ये हलवा है और यहाँ पे सब्जी बन रही है, वो देखिए आज मैं बनाता हूँ। तो उबाली क्या? अच्छा चलो फिर बाद में मिलती हूँ। तो ये देखिए ये सब्जी बनना ली उन्होंने, उसके बाद है ना ये आज है ना आटा, क्योंकि 2-3 दिन पहले आटा ले आओ तो मैं गेहूँ नहीं साफ कर रही थी, तो वो आटा ले आए जितना हो गया है 10 किलो का ही तो ले आए थे। तो मैं यहाँ पे आया ना आटा इसमें भर रही हूँ, क्योंकि तुरंत का काम तुरंत कर दो तो सही रहता है। और फिर मैं है ना हम लोगों का खाना पीना हो गया था, तो देखिए ये भी मतलब बहुत हुनर है इनमें, सब आ जाता है मेरी, यहाँ तक कि क्लेचर भी टूट जाता है ना, क्लेचर भी साफ कर देती। तो यहाँ पे ये हमारा ये गैस का एक बर्नर है ना, बिल्कुल जल ही नहीं रहा था, छोटा वाला मतलब बिल्कुल लो ही था। तो इन्होंने फिर कल है ना, कल बोले कि चलो मैं अभी साफ़ ही कर देता हूँ, तुरंत का तुरंत हो जाएगा। तो इन्होंने निकाल लिए और साफ, क्योंकि मुझे इस काम के लिए ना मार्केट में पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कूलर है, लाइट है, ये सब काम मतलब इलेक्ट्रिशियन किया है ना इन्होंने, तो इनको ये सब काम आ जाता है, ऐसा वेल्डिंग वगैरह का भी ऐसा कुछ सब आ जाता है, तो ये बहुत बच जाता है मेरा ये काम। और यहाँ पे ये देखिए पंखे में एक बैठी रही थी तो यहाँ पे एकदम है ना पंखे में ज्यादा दिख गए, बारिश चल रही थी, तो मैंने सोचा चलो बंद था पंखा, तो एकदम अजीब सा लग रहा था। तो मैं यहाँ से है ना थोड़ा झाड़ा, अभी दिवाली आ ही रही तो मैं तो करूँगी, लेकिन इस दिन नहीं करते बोलते साफ़ सफाई, तो मैं बस थोड़ा सा डस्ट था वो डस्ट निकाली। और देखिए परी के ऊपर भी गिर गया था, तो डिंकी ने परी के बालों का भी हम हंस रहे फूलों की वर्षा। तो कैसे हो आप सब? तो अभी बज चुके हैं 2:15 बज चुके हैं और अभी आज ना इतनी बारिश है कि क्या बताएं आपको, बहुत ज़्यादा बारिश है और अभी भी चल ही रही है। तो आपके इधर भी है क्या ज़रूर बताइएगा। और कल से चल रही है, कल भी मैं पानी में बच्चों को लेने गई, आज गए नहीं, सुबह से थी बारिश। और वैसे मैं खांसी थी तो मैंने कहा मैं नहीं जाती, ये देखो सोया है, टिंकल को भी आराम है आज, और परी भी पढ़ाई कर रही है, परी और डिंकी भी पढ़ाई कर रहे हैं, घर में रह रहे तो पढ़ाई करती है वो, देखिए। तो बस यही है और अभी लंच कर लेते हैं। और लंच में हमने ब्रेकफास्ट में आलू पराठे बनाए थे और बस कुछ नहीं, क्योंकि बारिश बहुत थी तो आलू पराठे मस्त गर्मा गर्म लग रहे थे तो सबने खा लिए। फिर अभी बनाए नहीं, अभी मैं अभी किसी को भूख नहीं लगी क्योंकि भरपेट खा लिए थे उन्होंने, और हेवी नाश्ता हो जाता है तो फिर खाने की इच्छा नहीं होती है। और अभी हम बस चावल फ्राई कर लेंगे और वही खा लेंगे, और बस यही कुछ अपडेट देना था और वीडियो का एंड भी करना था। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।